हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल के साथ आपका टीचर आरिफ अख्तर आजम हाजिर है। बेटा, आज जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो ज़रा देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है? सिंटैक्स बुक बोर्ड का ये क्वेश्चन 22 है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरेट एंड वन ऑफ 20 माइक्रोफेरेट। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं, एक है 10 माइक्रोफेरेट का और दूसरा कैपेसिटर है बेटा कितना, 20 माइक्रोफेरेट का, आर कनेक्टेड अक्रॉस बैटरीज। ठीक है, और बैटरी से इसे कनेक्ट किया जाता है ऑफ 600 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट। ठीक है, 600 वोल्ट और 1000 वोल्ट की बैटरीज के साथ, एंड देन डिसकनेक्टेड, उसके बाद डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, देन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। ठीक है, फिर दोबारा जो है इन्हें जनाब कनेक्ट किया जाता है किसमें, पैरेलल में। वट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? ठीक है बेटा, अब वो पूछना चाह रहा है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। ठीक, मैं बेटा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूं कि स्टेप वन में क्या कहा जा रहा है कि ये कैपेसिटर है आपके पास। ठीक है, और इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे जनाब, ये C1 है और C1 को कनेक्ट कर रहे हैं किससे बेटा, 600 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, और स्टेप टू में क्या है आपके पास, और एक और कैपेसिटर है C2 जिसे हम कर रहे हैं कनेक्ट किससे, 1000 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, और बेटा स्टेप थ्री क्या कहता है, अब इन कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों को लगा दिया जाता है आपस में, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और इस बैटरी का वोल्टेज V है। ठीक, क्या है हमें नहीं पता, ये आपके पास C1 है और ये क्या है, C2 है। ठीक है बेटा, चार्ज होने के बाद, आफ्टर चार्जिंग, दोनों कैपेसिटर 600 और 1000 वोल्ट से चार्ज हुए, और चार्ज होने के बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे जनाब, बैटरी से, और दोनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या था क्या नहीं था अभी हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज हमने मालूम करनी है। तो बेटा आप देखिएगा, हमें क्या क्या गिवन था, C1 गिवन था 10 माइक्रोफेरेड, और V1 गिवन था 600 वोल्ट जो C1 के अक्रॉस था, और C2 20 माइक्रोफेरेड है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा, 1000 वोल्ट है। रिक्वायर्ड क्या करना है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो चार्ज ऑन वन कैपेसिटर मालूम करना है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्हें कनेक्ट किया जाए तो चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर पे मालूम करना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास जनाब, इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले काम कर रहे हैं, पहले चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर स्टेप क्लियर किया, C1 को चार्ज कर रहे हैं 600 वोल्ट की बैटरी के साथ। 600 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज करेंगे तो C1 भी पता है, वोल्टेज भी पता है, और आपको रूल ये मालूम है कि हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो C1 10 था और 10 माइक्रोफेरेड था, माइक्रो की जगह हमने एक्सपोनेंट -6 लिख दिया। ठीक है, 10 एक्सपोनेंट -6 फेरेड। ठीक है, तो 1 माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6 होता है बेटा। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज जो है हमारे पास कितना है, 600 वोल्ट है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 और V1 को तो रिजल्ट आपके पास आएगा 6 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, ये मेरे पास सेपरेटली चार्ज करने पर जो कैपेसिटर को चार्ज करने पर जो चार्जेस की तादाद C1 पर आई वो मालूम हो गई। स्टेप टू में इसी तरह कैपेसिटर टू के लिए हम काम करेंगे, C2 20 था और वोल्टेज हमारे पास 1000 था, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सेपरेटली चार्ज करने पर ये चार्जेस की तादाद आ गई किस पर, कैपेसिटर टू पर, ये C1 पर थी और ये C2 पर थी। अब क्या किया, दोनों कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया चार्जिंग के बाद और उन्हें कनेक्ट कर दिया कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, स्टेप थ्री है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा तो दिया लेकिन हमें चाहिए होंगे टोटल चार्जेस, क्या चाहिए होंगे, टोटल चार्ज जो सम होगा इस Q1 और Q2 के चार्जेस का। ठीक है, तो ये टोटल चार्जेस हमने मालूम किए, दोनों का सम किया और हमारे पास फाइनली जो टोटल चार्जेस आ गए वो कितने आ गए, 26 एक्सपोनेंट -3 आ गए। ठीक है,
टोटल चार्जेस के बाद हम टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का जनाब कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है, ठीक, वो कैपेसिटेंस जो है वो किसका सम होगा, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सम होगा। दोनों कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें मालूम है 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड, विच इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आ गई और इक्विवेलेंट चार्ज भी आ गया, जिससे हमें बैटरी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल मालूम हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल मालूम करना है, QE इज इक्वल टू CP इनटू V, ठीक है। तो V हमारे पास जो है जब सॉल्व होकर आएगा तो वो कितना आएगा, 0.866 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट्स आएगा, ठीक है, या इसे 866 वोल्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बेटा हम जैसा कि कह चुके हैं कि हमने क्वेश्चन में हमें कहा जा चुका है कि हमने जब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 को सेपरेटली चार्ज किया, उसके बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमने मालूम करना है। तो हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज मालूम है, इसे वीई भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज मालूम है, सी वन की वैल्यू मालूम है, तो हमें क्यू वन की वैल्यू, क्यू पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। क्यू पी वन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने चार्ज वन कैपेसिटर वन पे चार्जेस निकालने हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम इसे क्यू पी वन कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू सी वन इंटू वी या वी ई, जो भी आप लिख लें। इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 6 और 866, हमारे पास ये चार्जेस की वैल्यू आ गई, किस पर, एट सी वन पर, किस पर, एट सी वन पर। इन द सिमिलर मैनर सी टू पे भी चार्ज निकालेंगे, तो क्यू पी टू इज इक्वल टू सी टू इंटू वी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी, आपके पास जो सी टू की वैल्यू है वो 20 है, एक्सपोनेंट माइनस 6 और 866, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 17.32 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था कि हमने क्या करना है, दोनों पे चार्जेस की वैल्यू को मालूम करना है, जो हमने मालूम कर ली। तो एक इजी और एक अच्छा न्यूमेरिकल था, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिकली आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को देखना था, ठीक है, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया। वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।